experience something glorious unacademy combat compete crack conquer a challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you unacademy combat is the most competitive gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators Right after each contest, combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.

तो वो भी मिस नहीं करेंगे उसको अटेंड करते रहेंगे तो मेरे दोस्त अगर मैं अपने बारे में और बताऊं सो छह सालों से पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त इन द गेट एंड सी कैटेगरी टोटल सात सब्जेक्ट है जो कवर करता हूं दैट इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ हूँ सर्वे एंड सीपीएम पर ठीक है अभी प्लस में और आज आपका स्पेशल क्लास पे क्वेश्चन सीरीज भी हुआ था जहां हम लोगों ने करीबन पचास क्वेश्चन खत्म किए थे इन द 90 मिनट्स जिसमें बहुत अच्छा एफिशिएंसी रहा था सबका

Test हो, आपको टॉप रैंकर्स ऑफ द गेट एंड ई एस सी तो यू आर गोइंग टू गेट दस आपका अगला बैच मेरे दोस्त आज से शुरू हो गया है बाई द दूशन सर ठीक है आपका अगला बैच आपका शुरू हो चुका है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड भारेन और मेरे दोस्त अनाउंसमेंट फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट बैच आप लोग पूछ रहे थे कब शुरू हो रहा है? तो मेरे आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू हो रहा है मेरे दोस्त जहां पे आप देख सकते हो चेतन सर है मृगान सर है क्षित सर है प्रतीत सर है दुष्यंत सर विल बी लीडिंग दिस और आपको बेस्ट ऑफ द कंटेंट मिल रहा होगा

ठीक है, आउट द वॉटर और क्या बताते हो you find the specific yield, specific capacity जिसके बेसिस आप किसी भी डायमीटर ऑफ द वेल या किसी भी uh, पे आप बता सकते हो कि ड्रॉड right, मेजर करने में प्रॉब्लम आता था इस कारण से हमने क्या किया टेस्ट को बदला और रेक्यूपरेशन टेस्ट पे आए जहां पे मेरे दोस्त पानी जो रेक्यूपरेट हो रहा है कितने टाइम में वो नोट किया और उसके बेसिस पे हमने यील्ड और कैपेसिटी निकाला और उसके बेसिस पे हमने डिस्चार्ज बता सकते हम किसी भी वेल का तो मेरे दोस्त टेस्ट हमने कल क्लास में खत्म किया था और आज के क्लास में हम इसके आगे बढ़ रहे होंगे तो नॉट डिवाइडेड एस नॉट राइट जिसका यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर मीटर सेकेंड ओवरऑल बात करें तो आपका इफेक्टिव यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है तो अगर आप डिस्चार्ज निकाल रहे हो तो दैट इज वॉट सी अगर किसी भी बात करने जा रहे हो

राइट right. चलिए यहां तक हमने कवर कर लिया था वी हैव कवर्ड टिल हियर वी हैव कवर्ड टिल हियर आगे बात करते हैं मेरे दोस्त आज हम मूव करने वाले हैं टू तो नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्यूबवेल सो so, आर यू ऑल रेडी आर यू ऑल रेडी जल्दी-जल्दी बता देंगे जल्दी-जल्दी बता देंगे सब लोग रेडी हैं क्या स्टार्ट किया जाए सेशन अभी तो रिवीजन कर रहे थे भाई सेशन पढ़ाएगा कहां कुछ चलिए तो मेरे दोस्त अगर हम ट्यूबवेल में बात करें तो ट्यूबवेल में मेरे पास अच्छा ओके सो so, ट्यूबवेल में मेरे पास टाइप्स का अगर हम बात करें तो सबसे पहला है मेरे दोस्त कैविटी टाइप ट्यूबवेल कैविटी टाइप और दूसरा है मेरे दोस्त स्क्रीन टाइप ये हम ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं स्क्रीन टाइप स्क्रीन टाइप में मेरा दो पार्ट है वन इज द स्ट्रेनर टाइप वन इज द स्ट्रेनर टाइप और दूसरा है मेरे दोस्त योर ग्रेवल पैक टाइप ग्रेवल पैट टाइप ग्रेवल पैर टाइप तो ये दो टाइप आपके अवेलेबल है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस व्हाई वी यूज द ट्यूबवेल ट्यूबवेल का इंपॉर्टेंस क्यों है हमको ट्यूबवेल जी क्यों पड़ा क्या मैं ओपन वेल well से काम नहीं चला सकता था क्या मैं ओपन वेल well से काम नहीं चला सकता था प्रॉब्लम क्या था ओपन वेल well में अगर मैं ओपन वेल well में बात करूं अगर मैं ओपन वेल well में बात करूं तो ओपन वेल well का डायमीटर कितना था दो से पांच मीटर ओपन वेल well का डायमीटर कितना था दो से पांच मीटर ठीक है ओपन वेल well का डायमीटर था आपका दो से पांच मीटर द डायमीटर ऑफ द ओपन वेल वॉज टू टू फाइव मीटर डिस्चार्ज कितना था पांच से दस लीटर पर सेकेंड पांच से दस लीटर पर सेकेंड अब अगर तुम आज के जमाने की सोसाइटी की बात करो अगर तुम आज के टाइम में बात करो मतलब आज का जो डिमांड है जो अर्बन एरिया का डिमांड है तो क्या वो अर्बन एरिया का डिमांड ये ओपन वेल फुलफिल कर पाएगा क्या उस ओपन एरिया का डिमांड ये ओपन वेल फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा दिस ओपन वेल इज नॉट गोइंग टू फुलफिल द डिमांड क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या है बहुत कम है दूसरा बात जो इसका डाया है ये डाया भी तो बहुत कम है दो से पांच मीटर डाया इज वेरी लेस मतलब मतलब द डाया फॉर द ओपन वेल ये काफी ज्यादा है मतलब काफी ज्यादा एरिया ये कवर कर रहा है दो से पांच मीटर आज के जमाने में अर्बन एरिया में इतना जगह अवेलेबल है क्या है ही नहीं अवेलेबल तो पहली बात जगह ज्यादा खा रहा है ज्यादा जगह ज्यादा खा रहा है और डिस्चार्ज कम दे रहा है तो मैं ऐसा जगह प्रेफर क्यों करेंगे वाई वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस तो मेरे दोस्त इसलिए क्या आता है ट्यूबवेल अब ट्यूबवेल में बात करें ट्यूबवेल में बात करें डाया बड़ा कम होता है कोई बता सकता है क्या डाया लेके ढाई सौ लीटर पर सेकेंड होता है दो सौ से ढाई सौ लीटर पर सेकेंड कितने दब से पानी निकाल सकता है सत्तर मीटर से लेकर तीन सौ मीटर तक पानी निकाल सकता है सत्तर मीटर से लेकर तीन सौ मीटर तक पानी निकाल सकता है डायमीटर इज वेरी इन सेंटीमीटर्स, डायमीटर इन सेंटीमीटर्स, डायमीटर बड़ा छोटा होता है घर में तुम ट्यूबवेल लगाते हो ना तो क्या बहुत बड़ा डायमीटर बड़ा देते हो बहुत छोटा डायमीटर देते हो इज इट क्लियर यू गिव द स्मॉल यू गिव द स्मोलर डायमी समझ में आया तो ट्यूबवेल का इंपॉर्टेंस कंपेयर टू ओपन वेल क्यों है ट्यूबवेल जगह कम चाहिए डिस्चार्ज ज्यादा देगा ज़्यादा देगा इट स्टार्ट दॉर फ्रॉम ग्रेटर स्टार्ट करेगा उतना क्या निकाल के डिस्चार्ज क्या? तो क्या हो जाता है कम ज्यादा निकालना चाहोगे प्रॉब्लम क्या होगा मिट्टी भी बाहर निकल जाएगा जिसके कारण क्या होगा आपका वेल लाइन डिस्टर्ब हो सकता है क्लियर है बात क्लियर है पॉइंट तो इसी कारण से अर्बन एरिया में प्रेफर नहीं किया जाता ओपन वेल हाँ गांव में बात करोगे जगह की कमी नहीं है डिमांड कम है आप ओपन वेल प्रेफर करते हो ठीक है ट्यूबवेल में डिमांड ज्यादा है डिमांड ज्यादा अगर उस डिमांड को पूरा करना है तो आपको ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा इन द अर्बन एरिया इज इट क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल क्या ये पॉइंट क्लियर है तो ओपन वेल और ट्यूबवेल बोथ डिफरेंस क्यों हम ट्यूबवेल को प्रेफर करते कहा प्रेफर करते ट्यूब ट्यूबवेल इज प्रेफर्ड इन द अर्बन एरिया ओपन वेल इज प्रेफर्ड इन द रूरल एरिया क्लियर होना चाहिए क्लियर होना चाहिए ठीक है चलिए अब बात करते मेरे दोस्त ट्यूबवेल का इन द कैविटी टाइप कैविटी टाइप तो कैविटी टाइप में क्या होता है व्हाट हैपेंस इन द कैविटी टाइप वाटर इज एक्स्ट्रैक्टेड वाटर इज एक्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ द वेल फ्रॉम बॉटम ऑफ द वेल फ्रॉम बॉटम ऑफ वेल वाटर कहां से स्टार्ट करेंगे कहा वॉटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेल ठीक है वॉट इजेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेल सो लेटर से दिसल यह आपका ग्राउंड लेवल है ठीक है तो मेरे दोस्त आपका यह एकदम सॉलिड होगा द वॉटर विल भी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉटम

अब अगला बात करें स्क्रीन स्क्रीन टाइप तो स्क्रीन में दो बोले हैं स्ट्रेनर पैथ स्ट्रेनर टाइप एंड ग्रेवल पैथ अब समझो बात को ध्यान से अब समझो बात को ध्यान से यहां पे दोनों बात करें एक-एक करके यहां फोकस करेंगे दोनों बात कर रहे हैं एक-एक करके यहां फोकस करेंगे मेरे दोस्त ये आपका डिफरेंट इम परमिबल सोइल ठीक है डिफरेंट इम सोल्स सो वॉट विसिकली है यहां पर होगा क्या आपका बॉटम से इसको प्लग कर दिया जाएगा फ्रॉम द बॉटम इट इज गोइंग टू गेट प्लग मतलब नीचे से नीचे से पानी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा फ्रॉम द बॉटम विल द वॉटर बी इक्टेड फ्रॉम द बॉटम विल द वॉटर बी एड क्या नीचे से पानी लिया जाएगा बोलो भाई नहीं लिया जाएगा द वॉटर इज एस्टेड फ्रॉम द सर्फेस तो जब आप स्क्रीन टाइप बोल रहे हो स्क्रीन टाइप का मतलब क्या है वॉटर इज एस्टार्टेड फ्रॉम द सर्फेस इज एक्ट्रक्टेड फ्रॉम द सर्फेस कहा से स्टार्ट करें भाई सर्फेस से फ्रॉम द सर्फेस सरफेस ठीक है बॉटम से देर इज नो वाटर कलेक्टेड बॉटम से प्लग कर दिया गया तो अब देखो पानी कहां से आ रहा है पानी आ रहा है फ्रॉम द साइड्स द वॉटर इज कमिंग फ्रॉम द साइड वाटर इज कमिंग फ्रॉम द साइड ठीक है अब पानी जब साइड से आ रहा है तो भैया मेरे इसको अंदर पेनीट्रेट कराने के लिए इसको अंदर पेनीट्रेट कराने के लिए यहां परेशन होना चाहिए द परफोरेशन शुड बी देर यहां पे परेशन होना चाहिए बोलो या ना द दर्फोरेशन शुड बी देयर सो डैट वाटर कैन एंटर द बेल द परफोरेशन शुड बी देयर सो डैट वाटर कैन एंटर द बेल परफोरेशन नहीं होगा पानी एंटर नहीं कर पाएगा परफोरेशन नहीं होगा पानी एंटर नहीं कर पाएगा सही बात है सही बात है सो द वॉटर गेट एंटर इन टू द बेल थ्रू द परफोरेशन सो वॉटर गेट एंटर टू द बेल थ्रू दिस परफोरेशन जो गैप्स होंगे उसको बोलते परफोरेशन सो so, पानी एंटर कर रहा है थ्रू द परफोरेशन अच्छा ठीक है बात तो अब ये उसको भी एंटर करा दे जब पानी एंटर कर रहा होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सोयल मीडियम है उसको भी एंटर करा दे पॉसिबल है क्या पानी जब एंटर कर रहा होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे दोस्त अपने साथ साथ जो मिट्टी है उसको भी एंटर करा दे जिसके कारण आप जो पानी निकाल रहे होंगे वो क्या हो जाएगा कंटामिनेटेड मिलेगा पॉसिबल है तो उसी को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे या तो स्ट्रेनर यूज करेंगे या तो ग्रेवल पैक यूज करेंगे तो स्ट्रेनर में क्या करेंगे इट्स लाइक वायर मेश आई विल पुट द वायर मेश एट द साइट जो परफोरेशन है ये जो परफोरेशन है

I will put, I will put the gravel layer along the sides. इस तरीके से gravel layer दे देंगे तो gravel layer में क्या होगा जो voids बनेगा जो voids बनेगा जब हम gravel layer दे रहे हैं तो जो voids बनेगा उस voids में छोटा छोटा particle आके रुक जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा बोलो सही बात है कि नहीं बात है इस ग्रेवल में के वॉइड्स में जितने छोटे पार्टिकल हुआ के रुक जाएंगे बड़े पार्टिकल तो रुकेंगे ही में आके छोटे पार्टिकल भी रुक जाएंगे और पानी एंटर करेगा और वो फर्दर आप क्या कर लोगे होगा छोटे पार्टिकल रुक जाएंगे पानी आगे बढ़ जाएगा और आपको साफ पानी मिलेगा इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल क्या ये पॉइंट क्लियर सबको क्या ये पॉइंट क्लियर सबको So यार, यार। तो ज्यादा और कोई प्रेशर नहीं लग रहा इसलिए ग्रेविटी फ्लो बोलते हैं पढ़ा करो क्लास पूरा अटेंड करोगे ना तब समझ में आएगा सबका आंसर तुम खुद दे दोगे क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक चलिए सो so, मेरे दोस्त ये बात हो गया आपका ट्यूबवेल का यह बात हो गया ट्यूबवेल का नो आई डोंट हैव एनी इमेज बेटा कोई इमेज नहीं लाया मैंने कोई इमेज मैं लेके नहीं आया हूं जरूरत नहीं था कोई जरूरत नहीं था इसलिए नहीं लाया क्लियर है तो आप पॉइंट लिख लो जस्ट राइट द पॉइंट वेन आई टॉक अबाउट द कैविटी टाइप ट्यूबवेल तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं एप्स्ट्रैक्ट द वॉटर एक्स्ट्रैक्ट द वॉटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ बेल आपके पास गूगल है गूगल करके देख सकते हो गूगल पढ़ा है ना जी गूगल करिए चेक करिए क्योंकि तो हमको तो पीएचडी कराना नहीं है तो कैविटी टाइप एट स्टार्ट द वॉटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ वेल अगला क्या बोल रहे हैं स्क्रीन टाइप स्क्रीन टाइप स्क्रीन टाइप में क्या बोल रहे हैं एक्ट द वॉटर फ्रॉम द सर्फेस एट्रैक्ट द वॉटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वेल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वेल कहां सेट करता भाई सर्फेस से सरफेस ऑफ वेल Since soil medium can also enter, can also enter, enter through the perforations, through the perforations, perforations. स्वल मीडियम कैन ऑल्सो एंटर थ्रू द पर्पोरेशन हें आदर आइदर स्ट्रेनर इज प्रोवाइडेड स्ट्रेनर इज प्रोवाइडेड और सेकेंड ग्रैवल पैकिंग इज डन ग्रैवल पैकिंग इज डन डेट सेट इतना काफी है जानना इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है क्लियर तक ठीक है सो डेट इज अबाउट कैविटी टाइप एंड स्क्रीन टाइप अब मेरे दोस्त हम लोग एंटर करने जा रहे हैं ऑफ सवाल यहां से बहुत बनते हैं फॉर्मूला यहां से यूज होता है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो हम लोग देखो यहां पे गवर्न होता है ड्यूपिट थ्योरी थीम थ्योरी से ठीक है तो हम लोग ड्यूपिट थ्योरी थीम थ्योरी अनकनफाइंड कन्फाइंड दोनों के लिए डेरिवेशन भी करेंगे समझेंगे फ्लो कैसा होता है और उसपे नुम्रिकल्स भी लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर रहे होंगे ठीक है चलो देखो हम यहां पर तो यील्ड ऑफ ट्यूबवेल दिस इज डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग बाय यूजिंग आइदर थीम्स थ्योरी पहले अल्ड ड्यूपिट्सोर लिख रहे हैं आईदर ड्यूपिट्स थ्योरी

मेरे दोस्त देर आर सर्टेन एजम्पन कुछ एजमशन है क्या एजम्शन है कुछ एजम्शन है क्या एजम्शन से पहला आप अपने मीडियम को क्या मानोगे वॉट यू आर गोइंग टू एज्यूम मीडियम आप अपने स्वाइल मीडियम को क्या मानोगे जल्दी से बताएंगे यू आर गोइंग टू टेक सर्टेन इन एजम्शन डियर फ्रेंड आप कुछ एजम्शन ले रहे होगे फॉर द दिल्डिंग ऑफ ट्यूबवेल तो कुछ एक्म्सन में सबसे पहला एक्सम्सन जो एकदम दिमाग में तो सेट है सॉइल कैसा होना चाहिए सोइल इज होमोजीनस होमोजीनस ठीक है एंड आइसोट्रॉपिक होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक आई होमोजीनस होना चाहिए और क्या होना चाहिए आइसोट्रॉपिक होना चाहिए सेकेंड जो फ्लो होगा देखो सिंपल सा बात है फ्लो तभी होगा वेन दर इज अ डिफरेंस इन हेड फ्लो तभी होता है जब हेड डिफरेंस होता है इज इज अ लॉस देन ओनली द फ्लो गोइंग टू कट तो जो फ्लो होने वाला है मान लो ये आपका वेल है लेट अस से दिस इज अ अल ठीक है और कहीं दूर से पानी आने वाला है ठीक है फ्रॉम सम रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस जो पॉइंट मेरा वहां से मेरा ये मेरा रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस है तो वहां से मेरा इधर पॉइंट आ रहा है मतलब पानी फ्लो हो रहा है तो जब पानी फ्लो हो रहा है तो फ्लो विल बी रेडियल फ्लो विल बी रेडियल मतलब एक सर्कुलर एरिया मानोगे एक सर्कुलर एरिया से आपका फ्लो आ रहा होगा फ्लो विल बी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फ्लो फ्लो रेडियल कैन आई से कि भैया अगर मेरे इस वेल में पानी आ रहा है और इस हाइट से पानी आ रहा है तो इट विल बी लाइक अ सिलेंड्रिकल एक सिलेंड्रिकल फ्लो वेल के पास आ रहा होगा क्या हम बोल सकते हैं क्या क्या हम बोल सकते हैं कि जो पानी आ रहा होगा इट इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इट इज कमिंग टू द वेल क्या हम बोल सकते हैं जब हम बोल रहे हैं कि जो फ्लो है वो रेडियल है है ठीक है तो हम बोल सकते इट्स लाइक अ फ्लो चारों डायरेक्ट मतलब चारों तरफ से आपका फ्लो जो आ रहा होगा एक से अगर हम सरफेस माने तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमको दिख रहा है जहां से फ्लो आता हुआ हो रहा है बोलो बोल सकते हैं क्या एकदम बोल सकते हैं सो फ्लो क्या बोल रहे हैं जॉन्टल रेडियल रेडियल और एक और माना क्या लैमिनार 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 का मतलब क्या होता है एक लेयर दूसरे लेयर से को क्रॉस नहीं करेगा इट विल फ्लो इन अ स्ट्रेट इन सेम पाथ वो अपने पाथ को नहीं बदलेगा टबुलेंसी नहीं देगा सो विल एज्यूम इट एज अ लैमिनार थर्ड विल एज्यूम थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल जो कर बनाओगे कर, उसका जो थीटा होगा होगा, बड़ा छोटा जिससे हम क्या मानेंगे साइन थीटा टैन थीटा बराबर थीटा जहां से फर्दर हमने कल क्या देखा था कि डी एक्स विल बी इक्वल टू डी एस ये हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं ये हम ऑलरेडी कल कर चुकेट क्लियर ये हम ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं ठीक है बात क्लियर है पॉइंट यस दीस आर द अजम्पशंस दैट वी आर गोइंग टू टेक बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डुपिड स्टोरी एंड थीम स्टोरी बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डुपिड स्टोरी एंड थीम स्टोरी चलो तो आगे आ गया, गया। चलिए सॉरी, क्लियर है यहां तक तो हमने देख लिया कि ट्यूबवेल का क्या डिफरेंट फॉर्म हो सकता है स्पेसिफिक यूज करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए आपके एजम्स क्या है वो पहले बात कर दिया मैंने पहले ही बोला कि ड्यूपिड थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन आपका थीम्स थ्योरी है तो ड्यूपिड थ्योरी को जो एजम्स होंगे

ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है ओरिजिनल विदाउट एनी डिस्टरबेंस बिना कोई एक्स्ट्रक्शन बिना कोई पंप लगाए आपका ये दिस इज़ ग्राउंड वाटर टेबल ये आपका ग्राउंड लेवल ठीक है दिस इज योर अनक्यूफर ये आपका क्या है बच्चा दिस इज योर अनक्यूफर और इसके नीचे है। टर्स से देर इज इम परमीएबल लेबल इसके नीचे आपका इम लेयर ठीक है बात क्लियर है यहां तक कोई पॉइंट यहां तक कोई डाउट किसी को तो अब देखो यहां पे आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ वेल दैट इज ट्यूब वेल आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ वेल दैट इज ट्यूब ट्यूबेल बना रहे हैं जिसको हम बोल रहे ट्यूब बेल, अब इसका जो रेडियस है, है? Bell, इसका हम क्या बोल रहे हैं इसका रेडियस हम बोल रहे हैं आर डब्ल्यू समझ आऊ आपको तो ध्यान से सब लोग याद हो जाएगा यहां पे ध्यान दोगे सो द रेडियस ऑफ द वेल इज आर डब्ल्यू ठीक है बच्चा अब मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त यहां में आ जाएगा जब आप पंप करोगे वेन यू आर गोइंग टू पंप द वाटर आउट टू गेट द डिस्चार्ज तो पानी का लेवल घटता जाएगा द वाटर लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज तो लेट अस से यहां पे पानी का लेवल दिस इज द लेवल ऑफ वाटर ठीक है जो डाउन है द डाउन एम राइटिंग एज एस नॉट इन द जो दूस पे आपको डाउन दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं दैट एम एस नॉट और मेरे दोस्त द मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे आपको हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां से फ्लो आपका शुरू हुआ है ठीक है आना उसको हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ इंफ्लुंस ऑलरेडी बात किए थे already you have discussed this thing radius of influence r ठीक है बात क्लियर है पॉइंट बोलो हाँ या ना तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो मेरा हाइट कितना होगा दैट इज कैपिटल h द हाइट इज कैपिटल h क्लियर है बात तो सारा कंडीशन यहां तक क्लियर है कोई डाउट है तो पूछेंगे सारा कंडीशन यहां तक क्लियर है कोई डाउट है तो पूछेंगे तो ये हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं जब हमने पंपिंग टेस्ट किया था

मेरे दोस्त मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, तो अब हेड हर जगह कॉन्सेंट है नहीं और लीनियर वैरी कर नहीं रहा है तो वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू एज्यूम डिस्टेंस एच और इस एच डिस्टेंस पे लेट अस से द हेड कॉजिंग फ्लो इज स्मॉल एच और अगर आप एच से एच प्लस डी एच जाते हो तो हाइट आपका बढ़ जाएगा द हेड कॉजिंग फ्लो विल बी एच प्लस डी एच एच प्लस डी एच ठीक है तो जनरली जो आपका फ्लो है इज इन दिस दिस इज द ऑफ फ्लो ये आपका डर्शन ऑफ फ्लो है क्लियर है यहां तक दिस इज द डर्शन ऑफ फ्लो तो हमने एनालिसिस करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रिप माना है एट अ डिस्टेंस एच ठीक है ऑफ थिकनेस डीएच जिसमें हेड डिफरेंस अपना डीएच आया जिसमें हेड डिफरेंस अपना डीएच आया तो मेरे दोस्त एनालिसिस के लिए फॉर द एनालिसिस हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जीरो आई एम मूविंग टुवर्ड्स द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज आर हम उल्टा एनालिसिस करना चाह रहे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा या आप उल्टा करके आता अपोजिट करके आते बस आंसर ये होगा कि जहां पॉजिटिव था वहां निगेटिव लेना था अब देखो यहां पर मेरे so, दोस्त डिस्चार्ज हर जगह कांस्टेंट है तो अगर आप इस पार्ट के लिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे अगर आप इस पार्ट के लिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे तो डिस्चार्ज क्या लिखोगे एरिया इनटू वॉल्यूम यही लिखोगे ना एच इन टू बी एच यही लिखोगे yes? लिखोगे अब बी एच क्या लिखोगे फ्रॉम द लॉ इंटू आई एक्स यही लिखोगे नाउ वट इज द एरिया ऑफ फ्लो कितना एरिया ऑफ फ्लो है वट इज द एरिया ऑफ फ्लो कितना एरिया ऑफ फ्लो है जल्दी से बताएंगे yes? अगर मेरे इस लेवल पे एच लेवल पर हम बात कर रहे हैं अगर हम इस लेवल पर बात करें एच लेवल जहां पर आपको दिख रहा है ठीक है जहां से आपका फ्लो होना है दिस इज दिख रहा है सर्फेस इस सर्फेस से आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा सो वट इज द एरिया ऑफ फ्लो जो आपको डिस्चार्ज दे रहा होगा जल्दी से बताएंगे सब लोग दिस इज हाइट एच रेडियस एच सो कैन इमेजिन द एरिया यू कैन इमेजिन द एरिया हम बाहर की तरफ एज्यूम कर रहे हैं सो दिस इज एट अ रेडियस एच हाइट इज एच हाइट इज एच और ये आपको बाहर की तरफ मूव करेगा फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सर्फिस फ्रॉम द सर्फेस पाई स्क्वायर एच सही बात है यार क्या बात कर रहे हो अरे भाई मेरे सरफेस से फ्लो हो रहा है इससे थोड़ी ना फ्लो हो रहा है इट इज मूविंग फ्रॉम द सर्फेस समझो सोचे थे सर्कुलर से समझ जाओगे इट इज मूविंग लाइक दिस अगर हम एनालिसिस में बात कर रहे हैं तो पूरे सरफेस पे लग रहा है इस तरीके से अब बोलो क्या होगा अब बोलो क्या होगा अब बोलो क्या होगा बताओ भाई द हाइट इज एच द हाइट इज एच दिस हाइट इज एच ये हाइट आपका एच होगा रेडियस आपका एच है द रेडियस इज एच बताओ भाई टू पाई टू पाई आर सर आपका पेरीमीटर मल्टीप्लाई विथ एच दैट विल गिव यू सरफेस एरिया यस पाई डी एच वेरी गुड यहां पे क्या लिखेंगे h h. अब समझ में आ गया बच्चा मल्टीप्लाई विथ के अब आई एच क्या होगा जनरली आप लिखोगे dh बाई डी एस मूव करो ds डीएस अलॉन्ग और आपका चेंज हुआ डीएच का दैट इज dh का तो जनरली आपको लिखना चाहिए था डीएच बाई डी एस बट क्योंकि साइन थीट थीटा, थीटा, थीटा जहां से आपने लिखा है डीएस विल बी इक्वल टू तो डी एच तो आप इसको क्या लिखोगे डीएच बाई डी एच इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल नाउ बोलो भाई क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको ये पहला पार्ट है ये समझ गया तो बाकी सब आसान है पहला पार्ट है अगर ये समझ गए तो बाकी सब आसान है तुरंत तुरंत कर देंगे बट पहला पार्ट समझना बहुत जरूरी पहला पार्ट समझना बहुत जरूरी ज दिस क्लियर टू ऑल इज दिस क्लियर टू ऑल अगर समझ में आ गया तब आगे बढ़ते हैं अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं चलिए अगर क्लियर तो आगे देखो तो मेरे दोस्त हम क्या कर रहे हैं टू पाई टू पाई के इन टू एच इन एच डी एच बाईडीएच अब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाओ इसको इधर ले जाओ तो यहां पे क्या हुआ अगले पेज में आते क्यू इंटू डीएच बाई एच विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डीएच बाई एच दिस इज इक्वल टू टू पाई के टू पाई के इंटू एच डीएच यही होगा क्या into H एच डीएच यही होगा क्या मैंने सिंपल से आपको एक बात बोला

तो हमको ने क्या देखा भाई आपने क्या माना था इट इज द फ्लो इज़ रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल तो हमने देखा कि कितने सरफेस से ये हो रहा है. तो कितना सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे so अब कितना डिफरेंस है, जो कर रहा है? लेकिन, क्योंकि आपने माना था sin थीटा बराबर थीटा तो डीएस टू डी जिसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इज इट क्लियर नाउ नो no? जल्दी से बोलेंगे तो अब देखो यहां पे मेरे दोस्त इंटीग्रेट करना है आई नीड टू इंटीग्रेट जो कॉन्सेंट है पहले बाहर निकाल दिया so, कहां, से कहां कर रहा है? बेल देखो यहाँ पे आपका एच कहां रेडियस ऑफ द बेल टू एच इज इक्वल टू आर जहां है सो रेडियस ऑफ द बेल टू द रेडियस ऑफ आर दैट इज द रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस h कहां से कहां तक वैरी कर रहा है h is varying from यहां पे हाइट हम बोल रहे हैं h0 दिस हाइट इज h0 और उधर आपका हाइट है h so h is varying from h0 to capital h any doubt in this any doubt in putting the limits any doubt in putting the limits देखो मुझे पता है ये टॉपिक आसान नहीं है i know this और इसी कारण से बहुत से लोग इसको पढ़ाना ही नहीं चाहते क्यों नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि पता है टफ टौप टॉपिक पढ़ाएंगे तुम आओगे नहीं क्लास में लेकिन तुमको मैंने पहले बोला मेरा सोच अलग है मैं ये सोचता हूं क्या हुआ टफ टॉपिक पढ़ाएंगे उनको तो फायदा करेगा ना जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं हैं हम हम गधों गधों को को थोड़ी ना ना ट्रेन ट्रेन कर रहे वी आर नॉट ट्रेनिंग गधा पीपल ना। हम को करने या नहीं बैठे हमको यहाँ पे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि मेरे को रैंक चाहिए मेरे को इसलिए नहीं पढ़ाना इसलिए मेरे को व्यूज चाहिए ठीक है और रैंक तभी आएगा जब अच्छे टॉपिक कवर करके जाओगे एग्जाम में चलिए सो रेडियस वैरी फ्रॉम आर डब्ल्यू टू आर और हाइट कहां से वैरी करेगा एच नॉट से लेके कैपिटल एच इंटीग्रेटेड सो वेल यू इंटीग्रेटेड ये क्या हो जाएगा एल एन ऑफ एच लिमिट फ्रॉम आर डब्ल्यू टू आर और ये क्या हो जाएगा टू पाई के एच स्क्वायर बाई टू लिमिट फ्रॉम एच नॉट से कैपिटल एच तो अब टू से टू तो चला गया अब क्यू बराबर क्या लिखोगे आपको तो डिस्चार्ज निकालना है तो पाई इन टू के कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर एल एन ऑफ आर डब्ल्यू अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूं एल एन ऑफ आर बाई आर डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या इसी को हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ आर बाई आर डब्ल्यू लिख सकते हैं और अगर इसी को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है अगर इसी को नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है तो आई कैन मल्टीप्लाई दिस विद 2.303 विरोस्ट आर बाई आर डब्ल्यू बोलो यही फॉर्मूला याद रखते हो आप लोग बोलो यही फॉर्मुला रटते थे

ज रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस आर क्या हो गया बच्चा दिस इज द रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस आर को हम क्या बोल रहे हैं रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस ठीक है देखो तो मेरे दोस्त अब देखो ये रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस प्रैक्टिकली निकालना बड़ा मुश्किल है ये रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस प्रैक्टिकली निकालना बड़ा मुश्किल है जनरली डेढ़ सौ से तीन सौ मीटर तक का होता है ठीक है लेकिन मैं सही बात बोलूं तो यहां पे जो प्रॉब्लम आया स्टोरी में इन्होंने आर को यूज किया अब आर फील्ड पे निकालना कि भाई कितने दूरी से आपका फ्लो शुरू हुआ है ये प्रैक्टिकली बताना बड़ा मुश्किल है तो यहां पर कौन आ गए यहां पर कौन आ गए थीम साहब आ गए थीम साहब ने क्या बोला एक काम करो ये दिक्कत हो रही है ना काम ये करो कि दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा क्या यूज करो यूज टू ऑब्जर्वेशन बेल और उन दो ऑब्जर्वेशन वेल के मदद से उन दो ऑब्जर्वेशन वेल के मदद से आप ये बता दो उन दो ऑब्जर्वेशन वेल के मदद से आप यह बता दो कि आपका डिस्चार्ज कितना होगा सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट गिवेन बाई थीम्स थ्योरी यहां पर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ड्यूपिट्स थ्योरी ड्यूपिट्स थ्योरी वॉज डैट रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी डिटामाइंड कैन नॉट बी डिटामाइंड एक्यूरेटलीटली इनप्रैक्टिकल इनप्रैक्टिकल विच वॉज ओवरकम विच वॉज ओवरकम विच वॉज ओवरकम बाई थीम्स थ्योरी थीम्स थ्योरी बाई यूजिंग टू ऑब्जर्वेशन बेल बाई यूजिंग टू ऑब्जर्वेशन बेल क्या क्या भाई दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा दो अभी कैसे काम करेगा अभी बात करते हैं नाउ हाउ इट विल बर्क लेट्स डिस्कस हाउ इट इज गोइंग टू वर्क लेट्स डिस्कस ठीक है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आप जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस बता रहे हो वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो फील्ड पे ठीक है जिसके कारण से क्या बोला कि भैया देयर इज अ एरर अब इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे यूज द थीम दीम्स जहां पे मेरे दोस्त आपको दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाने के लिए बोला गया एनी डाउट टिल हियर क्लियर है चल सो कम टू द थीम थ्योरी अब थीम्स आप क्या बोले अभी आप अनक्यूवर पढ़ ले यू आर लर्निंग द अनकनफाइंड का डिस्चार्ज निकालना चाह रहे हो देखो यहां पे ध्यान से सो दिस इज द ग्राउंड सरफेस ये आपका ग्राउंड सरफेस है ये आपका पानी का टेबल है विदाउट डिस्टर्बेंस दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल आपने क्या किया ट्यूबवेल बनाया इन द अकनफाइंड आपने बनाया ट्यूब बेल इन द अनकंफाइंड एक्यूपर यू हैव मेड द ट्यूब बेल इन द अनकंफाइंड एक्यूपर और इसके नीचे आपका इंपर्मिएबल लेयर इसके नीचे आपका क्या है इंपर्मिएबल इंपर्मिएबल लेयर देयर इज अ इंपर्मिएबल लेयर तो मेरे दोस्त हमने क्या भी देखा था वी हैव सीन दैट वी हैव सीन दैट कि कुछ इस तरीके का फ्लो हुआ वी हैव सीन दिस यहां पे आपका ड्रॉडाउन क्या है एस नॉट दिस ड्रॉडाउन इज एस नॉट और अगर हम हाइट की बात करें हेड कॉजिंग फ्लो या हेड तो यहां पे कैपिटल एच और वेल well के पास ये हो गया आपका एच नॉट क्लियर है तो ये बात हमने ऑलरेडी देख लिया अब मेरे दोस्त ड्यूपिट साहब क्या बोले बोलेम साहब साहब ने बोला एक काम करो दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा दो क्या लगा दो दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा दो अप्लाई टू ऑब्जर्वेशन बेल पुट टू ऑब्जर्वेशन बेल ठीक है इन द बिनेटी दो ऑब्जर्वेशन बेल का इंतजाम करो और कंस्ट्रक्ट करो ठीक है पुट टू ऑब्जर्वेशन बेल तो अब देखो यहां पे क्या होने वाला है कोई जरूरी नहीं है सेम साइड अब दूसरे साइड भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर है तो आपने दो ऑब्जर्वेशन ये दोनों क्या है ये दोनों क्या है दीज़ आर ऑब्जर्वेशन वेल ऑब्जर्वेशन वेल ऑब्जर्वेशन वेल नाम से ही क्लियर है टू टेक ऑब्जर्वेशन राइट तो अब इसका दूरी फ्रॉम द सेंटर वी नो वी नो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इसको क्या बोल रहे हैं लेट अस से दिस इज आर वन और इसको हम बोल रहे हैं r2 सो रेडियल डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर रेडियल डिस्टेंस r2 फ्रॉम द सेंटर ठीक है एंड कोरिस्पोंडिंगली ड्रा डाउन जो हमको ड्रा डाउन दिख रहा है दैट ड्रा डाउन इज s1 एंड ये वाला जो ड्रा डाउन है इसको हम बोल रहे हैं s2 यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट बोलो बच्चा कोरिस्पोंडिंगली जो ड्रा डाउन है बेटा वो s1 और s2 है क्लियर है बात स्पॉन्डिंगली जो ड्रॉडाउन है वो आपका एस वन एंड एस टू है जो आप मेजर कर सकते हो तो आपको पता है कि आपके मेन वेल well से फ्रॉम द मेन वेल आपका ऑब्जर्वेशन वेल well कितने दूरी पर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर सेंटर टू सेंटर दूरी लेते हैं राइट right. और आपको पता है कि उसमें ड्रॉडाउन कितना है क्या ये दोनों बात पता है क्या हमको क्या ये दोनों बात पता है यस yes. बोलो बच्चा तो अब हम क्या करते हैं नाउ व्हाट वी एम गोइंग टू डू नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू टेक अ सेक्शन मतलब हम एक सेक्शन लेंगे एट ए डिस्टेंस एच जहां पे हाइट आपका एच है और मेरे दोस्त मूव करेंगे सच आप अगर दूरी जा रहे हो तो आपका डिफरेंस आ रहा है एच से एच प्लस मतलब आपका जो हेड हो रहा है वो एच से एच प्लस बात तो सारा एनालिसिस वही हो गया सारा एनालिसिस वही हो गया बस अब हम क्या करेंगे लिमिट में वेरिएशन लाएंगे सार, सारा लिमिट वही हो गया मतलब सारा चीज वही हो गया बस हम क्या करेंगे अब हम लिमिट में वेरिएशन ला देंगे कैसे ला देंगे अब फॉर्मूला था मेरे पास Q का फॉर्मूला था क्यू एच एच इंटू बी एच अब एच AH आपने क्या लिखा टू पाई एच इन टू एच और बी एच आपका क्या हो गया के इंटू डी एच बाई ये तो वही होगा ना भाई ये थोड़ी बदलेगा डाया किसका डाया भैया आप, आप अलग अलग हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आप ट्यूबवेल की बात कर रहे हो ट्यूबवेल की बात कर रहे हो तो जनरली जब ऑब्जर्वेशन लगाओगे यू विल कीप द सेम ताकि आपका एनालिसिस में फर्क ना पड़े ठीक है बट उससे उतना क्योंकि आप उससे कोई डिस्चार्ज निकाल रहे हो तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है सो so, ये पॉइंट क्लियर है सबको सो डिस्चार्ज इज टू टू बाई एच एच के इन टू डी एच अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम क्या है देखो यहां पर साहब ने दिमाग क्या लगा दिया सोच अच्छा था सब चीज समझे हुए थे तो अप्लाई भी कर दिया टू पाई के इंटू एच डी एच इन्होंने क्या बोला अभी काम ये करो ना तुम काम ये करो कि जो एच का वेरिएबल है वो कहां से कहां तक करो आर वन से लेके आर टू तक करो समझ में आया बात जो एच का वेरिएशन है वो कहां से करो आप आर वन से आर टू तक करो अब मेरे पास आर का कंपोनेंट ही नहीं है आर तो वन पे आर वन पे हेड कॉजिंग फ्लो इज एच वन आर टू पे हेड कॉजिंग फ्लो इज एच टू समझ में आया बात तो अब यहां से मेरे दोस्त अब यहां से आप एच बराबर एच वन लिख सकते हो एच बराबर एच टू लिख सकते हो आसान हो गया तो यहां पे क्या बन गया Q टाइम्स Q टाइम्स एल एन ऑफ एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन एल एन ऑफ आर टू बाई आर वन, वनवाल एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सब लोग को बात समझ में आ गई क्या सब लोग को यह बात समझ में आ गई क्या तो यहां से डिस्चार्ज हो गया आपका पाई इन के एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक टू देश आर टू बाई आर वन ये पॉइंट क्लियर है क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या बोलोगे ये पॉइंट क्लियर है क्या इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलो भाई तो यूजिंग द ऑब्जर्वेशन बेल यूजिंग द ऑब्जर्वेशन बेल यू कैन गेट दिस रिजल्ट

डिस्चार्ज एस पाई इंटू के यू कैन टेक एच टू एंड एच नॉट तो एच टू स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टेन लॉट टेन R2 टू बाई तो आप कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए बोला जा सकता है करस्पॉन्डिंगली यू कैन गेट द रिजल्ट इज इट क्लियर टू ऑल नाउ इज इट क्लियर टू ऑल नाउ क्या ये पॉइंट क्लियर सबको so, ये सारा अंक कन्फाइंड के लिए कर रहे बेटा ये सारा अंक कन्फाइंड के लिए कर रहे ऑल दिस वी आर डूइंग फॉर अंक ये सारा अंक कन्फाइंड के लिए किया जा रहा है कन्फाइंड के लिए अब अगला बात करेंगे ऑल दिस वी आर डूंग फॉर अनकनफाइंड क्लियर है क्लियर है सबको सो मेरे दोस्त वी एफ सीन द ड्यूपेट थ्योरी वी एपसीन द थीम्स थ्योरी वाई वी यूज द थीम्स थ्योरी एंड वॉट इज द एडवांटेज ऑफ थीम्स थ्योरी ये सारे पॉइंट सबको क्लियर हो गए है ना चलिए so, बात हो गई अपना ड्यूप स्टोरी का थीम स्टोरी का फॉर द अनकनफाइंड नाउ नेक्स्ट इज ट्यूबवेल इन कन्फाइंड अब पानी जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कन्फाइंड एक्यूफर से एक्सट्रैक्ट होगा जो पानी जो एक्सट्रैक्ट होने वाला है वो किससे एक्सट्रैक्ट होने वाला है कन्फाइंड एक्यूफर से एक्सट्रैक्ट होने वाला है क्लियर है बात द वाटर इज गोइंग टू बी एक्ट्र्टेड फ्रॉम द दाइड नॉट फ्रॉम द अनकन्फाइंड ठीक है देखोगे बात को ध्यान से सर प्लीज शो प्रीवियस डायग्राम अरे भाई जल्दी नोट करो सर क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन से पूछ सकता है क्वेश्चन में कैसा पूछेगा भी करवाते हैं डोंट वरी क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो करवाते हैं चलिए राइट देखिए आगे ट्यूब वेलिंग कन्फाइंड एक्यूपर सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं ड्यूपिट स्टोरी तो पहले कन्फाइंड एक्यूपर बना देते हैं लेट अस से फर्स्ट ड्रॉ द कन्फाइंड एक्यूपर फर्स्ट ड्रॉ द कन्फाइंड एक्यूपर ये आपका वाटर सरफेस दिस इज द इज ग्राउंड ग्राउंड सर्फेस उसके बाद हम बना रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल लेवल उसके बाद हम बना रहे हैं ग्राउंड वाटर टेबल लेवल राइट हैव कन्फाइनमेंट देन यू हैव कन्फाइनमेंट वेल भी बनाना है तो ध्यान रखना पड़ेगा ओके सो यू हैव कन्फाइनमेंट ठीक है और उसके नीचे आपका एक और कन्फाइनमेंट डाल देता हूं देर इज वन मोर कन्फाइनमेंट सो दिस इज योर लेयर लेबल लेयर ये पूरा ही है बस काट दिया बीच में ताकि डायग्राम बना पाऊं ये भी आपका इमपरमल है इम्परम और इसके नीचे भी आपका क्या है इम्परम राइट right. आपने वेल well जो स्टैब्लिश किया है अपने वेल जो स्टैब्लिश किया है वो ये है दिस इज द वेल ये आपका वेल है इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग द वॉटर फ्रॉम द कन्फाइंड एक्ट इट इज एक्सट्रैक्टिंग द वॉटर फ्रॉम द कन्फाइंड एक्ट कैन यू सी द कन्फाइनमेंट सी दिनमेंट सबको दिख रहा है क्या सबको कन्फाइनमेंट दिख रहा है वॉटर हाइट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस दॉटर हाइट इज एच ठीक है any disturbance, the height of ऑफ द is h. Now, when you extract जब तुम पानी को खींचना चाहोगे तो पानी का लेवल गिरेगा वाटर लेवल इज गोइंग टू फॉल लेट अस से कुछ इस तरीके का कर बना सो so, ये आपका डाउन है दैट इज एस नॉट दिस इज एच नॉट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल द रेडियस इज आर डब्ल्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल द रेडियस इज आर डब्ल्यू सबसे पहले कौन सा थ्योरी अपलाई कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा थ्योरी अपलाई कर रहे थ्योरी अप्लाई कर रहे हम लोग अगर हम ड्यूपेट्स थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम एक सेक्शन लेंगे कितने दूरी पे सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे कितने दूरी पे वी आर गोइंग टू टेक अ सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ एच हम डिस्टेंस एच पे लेंगे जहां पे मेरे दोस्त द हेड कॉजिंग फ्लो द हेड कॉजिंग फ्लो विल बी एच ठीक है और डी एच दूरी पे डीएच दूरी पे हेड आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा डी एच दूरी पे आपका हेड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो ये बात कर रहे हैं दिस इज एच प्लस ज दॉ फ्लो दैट डीन दिस इज द्लो दिसजेंट मीन दैट इज द एरिया ऑफ फ्लो हेड कॉजिंग फ्लो क्या होता है एरिया ऑफ फ्लो इसका मतलब यह नहीं, मतलब नहीं है बच्चा ठीक है अब समझो बात को ध्यान से समझो बात को ध्यान से राइट right. मेरे दोस्त अगर आप स्ट्रिप के लिए बात करो तो क्यूएच बराबर क्या लिखोगे एच इंटू बी एच यही लिखोगे ना वट विरिया ऑफ फ्लो यह सबसे इंपॉर्टेंट है वट विरिया ऑफ फ्लो एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा वट विल बी एरिया ऑफ फ्लो बताएंगे अगर हम क्यू एच बराबर क्यू बराबर एच इंटू बी एच लिख रहे हैं तो क्यू बराबर ए एच इंटूच लिख रहे हैं तो वट इज द एरिया फ्रॉम इज गोइंग टू कम वट इज द एरिया फ्रॉम विच वॉटर इज गोइंग टू कम सोचो ध्यान से मेरे दोस्त द वाटर जो पानी आएगा वो सिर्फ कन्फाइंड लेयर से आएगा वो अनकन्फाइंड से नहीं आएगा वो जो कन्फाइंड का पार्ट है सिर्फ उसी से आएगा यस और नो जो सिर्फ कन्फाइंड का पार्ट है उसी से आएगा सही बात है तो अगर सिर्फ कन्फाइंड के पार्ट से आएगा तो भाई कन्फाइंड का तो हाइट फिक्स है दैट इज दी तो अगर आप बात कर रहे हो आपको एक सिलेंडर दिख रहा है जिसका रेडियस है, है एच डायमीटर एच डी और इस सरफेस एरिया से पानी आना है इज इट क्लियर सो इज व्हाट, आई विल राइट दिस टू पाई एच इन टू डी अभी यहां पे डी होगा इज इट क्लियर पाई एच डी टू पाई एच इन टू डी टू पाई एच इन टू डी इज इट क्लियर आर नहीं बेटा एच हाँ समझ गया आपको समझाने का मतलब समझ आ गया Now, अगर डीएच बात करेंगे तो ये क्यों क्या हो जाएगा के टाइम डीएच बाई डीएस होना चाहिए था बट क्योंकि हमने स्लोप को कम माना है कितने लोग को एक क्लियर है एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन राइटिंग दिस डिस्चार्ज एनी डाउट इन राइटिंग दिस डिस्चार्ज फॉर्मूला कोई डाउट किसी को इस फॉर्मूला के लिखने में पूछ लेंगे क्लियर है तो अब मेरे दोस्त देखो यहां पे क्यू बराबर आप लिख रहे हो टू पाई एच डी इंटू के टाइम्स डीएच बाई डी एच फिर से आप लेके जाओ क्यू इन टू डीएच बाई एच वल टू टू पाई डी इन टू डी एच अब लिमिट पुट करो वेन यू पुट द लिमिट तो एच वैरी फ्रॉम आर डब्ल्यू टू एच टू आर क्योंकि आप वेल well से आप रेडियो ऑफ इंफ्लुस में गए हो ठीक है अगला बात करें एच वैरी कहां से कर रहे एच वैरी फ्रॉम एच नॉट टू एच इज इक्वल टू एच क्लियर है बात तो क्यू इन टू एलेन ऑफ एच कहां से कहा से वैरी कर रहे भाई आर डब्ल्यू से लेके कैपिटल आर ये क्या हो जाएगा टू पाई डी एच माइनस एच नॉट डायरेक्ट लिख देते तो यहां से क्यू बराबर क्या हम लिख सकते हैं टू पाई डी एच माइनस एच नॉट अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टू बेस टेन आर बाई आर डब्ल्यू बोलो मेरे दोस्त क्या हम ये लिख सकते हैं क्या बोलो मेरे दोस्त क्या हम ये लिख सकते हैं क्या राइट दिस कैन बी राइट दिस पूरा समराइज कर दूंगा आसानी से याद हो जाएगा टेंशन मतलब कैन बी राइट दिस यहां पर छूट गया ना टू पाई के डी टू पाई के डी टू पाई के डी हाजी टू पाई के डी क्लियर बात क्लियर बात तो यह अपना कहां से आया फ्रॉम द ड्यूपेट थ्योरी यह अपना कहां से आया फ्रॉम द ड्यूपेट स्टोरी यह आया फ्रॉम द ड्यूपेट स्टोरी क्लियर है अब मेरे दोस्त यही अगर हम थीम थ्योरी से बात करेंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं अगर यही चीज हमको थीम थ्योरी से निकालना है तो हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू पुट टू ऑब्जर्वेशन वेल दो ऑब्जर्वेशन वेल लगाएंगे वी आर गोइंग टू अप्लाई वी आर गोइंग टू अप्लाई टू ऑब्जर्वेशन वेल दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा देंगे ठीक है अब इस दोनों ऑब्जर्वेशन बेल का आपको दूरी फ्रॉम द सेंटर पता होगा इस दोनों ऑब्जर्वेशन का दूरी फ्रॉम देंटर से आर वन ये हो गया आर टू यहां पे फॉल इज एस वन और इधर आपका एस टू करस्पोंडिंगली हेड कॉजिंग फ्लो विल बी एच टू और ये हो गया आपका क्या एच वन समझ आया बात तो अगर आप दो ऑब्जर्वेशन बेल लगा रहे हो तो यही क्या बन जाएगा दिस विल बिकम थ्योरी यही आप थ्योरी तो यह तो के case में अब हम लिख सकते हैं सब लोग लिखवा सकते हो क्या theory के केस में फॉर कन्फाइंड अक्यूपर आई कैन डायरेक्टली राइट दिन राइट क्यू इज इक्वल टू टू पाई के डी इन टू I can write this as h2 माइनस upon वन अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टू देश आर टू बाई आर वन आई कैन राइट दिस आई कैन राइट दिस लिख सकता हूँ कि नहीं हम ये भी लिख सकते हैं क्यू बराबर टू पाई के डी एच टू माइनस एच नॉट अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टू टेन आर टू बाई आर डब्ल्यू आर टू बाई आर डब्ल्यू हम ये भी लिख सकते हैं क्यू बराबर टू पाई के डी एच वन माइनस एच नॉट होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टू द बेस टेन आर वन बाई आर डब्ल्यू बोलो हाँ या ना हाँ शेड्यूल वाला सेशन आज ग्यारह बजे आयुष शेड्यूल का सेशन ग्यारह बजे एनी डाउट इन दिस दिसमस एनी डाउट इन दिस दिसमस देखो बेटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला टफ लगता है इसलिए बच्चा पढ़ के नहीं जाता लेकिन मैं सही बात अगर तुमको फॉर्मुला याद है तो तुम्हारा नुमड़कल अगर आ गया तो बहुत आसान नुमड़कल आता है बस फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर्मूला याद होना चाहिए क्लियर है यहां तक क्लियर है यहां तक एनी डाउट having? Any doubt एनी डाउट टिल is having? याद रखने का ट्रिक भी बहुत आसान है याद रखने का ट्रिक भी बहुत आसान है कैसे याद रखेंगे याद कैसे रखेंगे देखो अब यहां पे क्योंकि हम ये तो ऑलरेडी अलग से करवा दिए उसी में ही करवा दिए इसका जरूरत नहीं है ठीक हो यहां पे। हाउ टू रिमेंबर अगर तुम बात कर रहे हो अनकनफाइंड तो में आपका फॉर्मूला क्या था क्यू बराबर पाई इन टू के एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टेन ये फॉर्मूला था फ्रॉम द थ्योरी दिस इज फ्रॉम ड्यूपिट थ्योरी फ्रॉम ड्यूपिट्स थ्योरी अगर यही हम बात करते कंफाइंड का यही जिसका डी है तो यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बराबर टू पाई के डी इंटू कैपिटल एच माइनस एच नॉट होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर बाई आर डब्ल्यू अब देखो डिफरेंस समझो यहां पे ये दोनों में डिफरेंस आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो यहां पे हाइट का स्क्वायर है तो हाइट का स्क्वायर उनसे नीचे में टू आया था जो टू काट दिया क्लियर है बात अब यहां पे हाइट का स्क्वायर नहीं हुआ था इसलिए टू आपका रिमेनिंग है और दूसरा क्योंकि यहां पे थिकनेस आपका डी लिया गया था इसलिए यहां पे स्क्वायर नहीं हुआ इसलिए यहां पे डी आएगा तो अगर एच पे स्क्वायर नहीं है तो डायमीटर आएगा टू आएगा अगर एच पे ना, आएगा नॉट तो है बात क्लियर बात आराम से याद रहेगा यहां पे एच स्क्वायर है यहां पे इधर टू नहीं है टू क्यों नहीं है क्योंकि एच स्क्वायर बाई टू आया था इंटीग्रेशन में जो कि आपका कट गया यहां पे नहीं आया था इसलिए टू रह गया

सम इम्पॉर्टेंट नोट नोट क्या बोलता है नोट क्या बोलता है डैट इफ द ट्यूबवेल ट्यूबवेल इज रेस्टिंग इज रेस्टिंग ऑन दॉप ऑफ टॉप ऑफ कन्फाइंड एक्ूपर confined aquifer then the discharge is spherical discharge is spherical then the flow rather than discharge will say that flow is spherical and discharge is nearly discharge is nearly वन बाई ट्वेंटी टू वन बाई थर्टी ऑफ नॉर्मल वेल ठीक है तो यहां पे क्या बोल रहे हैं यहां पे क्या बोल रहे हैं समझोगे बात को ध्यान से अस से आपका जो वेल well है द वेल well, ये आपका इट इज जस्ट रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द अनकनफाइंड ठीक है बात तो यहां पे क्या होगा जो फ्लो होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल एक स्पेरिकल फॉर्म लेगा ठीक है तो इसको हम बोलेंगे क्यू स्पेरिकल और जो फॉर्मुल जाएगा दैट विल बी टू पाई के आर डब्ल्यू इन टू एच माइनस एच नॉट एच माइनस एच नॉट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेरिकल और क्या बोला गया वन बाई ट्वेंटी बात करोगे तो यह आपको पॉइंट बोल रहा था तो यह आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है इसलिए हम लिखवा दिए आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है इसलिए करवा दिए आपका फ्लो एरिया कैसा होता है तो दैट विल बी स्कल ठीक है फॉर्मूला क्या होता है तो यह फॉर्मूला होता है ठीक है बात तो दिस इज द फॉर्मूला दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए स्फेरिकल वेल के लिए, well लिए. किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चा वी आर टॉकिंग दिस फॉर द स्फेरिकल वेल वी आर टॉकिंग दिस फॉर द स्फेरिकल वेल ठीक है यहां तक यहां तक क्लियर है कोई डाउट यहां तक क्लियर है कोई डाउट चलो अगर क्लियर है अगर क्लियर है एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ़ एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ़ अब क्या बोलता है the तुम ऑप्टेन करोगे पर यूनिट ड्रॉडाउन जो पहला यूनिट ड्रॉडाउन होगा मतलब जब एस नॉट आपका वन होगा तो उसके लिए जो आप डिस्चार्ज निकालोगे उस डिस्चार्ज को हम क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द ट्यूबवेल क्या बोल रहे हैं भाई व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ट्यूब डिस्चार्ज ऑप्टेंड फ्रॉम द वेल डिस्चार्ज ऑप्टेंड फ्रॉम द वेल डिस्चार्ज ऑप्टेंड फ्रॉम द वेल फ्रॉम द वेल फॉर फर्स्ट यूनिट ड्रॉ डाउन उसको हम क्या बोलेंगे विल से डेट एज अफिक कैपेसिटी ऑफ द वेल तो यहां पर हम एस्टोनॉट क्या बोल रहे हैं so, वहां से जो तुम डिस्चार्ज ऑप्टेन करोगे तो दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब वेल सो रेडी विद क्वेश्चन रेडी फॉर द क्वेश्चन यस रेडी फॉर द क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे अ वेल ऑफ 60 सेंटीमीटर डाया इज बिन पंप्ड एट द रेट ऑफ 1360 लीटर पर मिनट यूनिट्स का ध्यान देना यूनिट्स का ध्यान देना 60 सेंटीमीटर डाया है डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है मेजरमेंट इन नियर बाई टेस्ट वेल बी मेड एट द सेम टाइम एज फॉलो एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स मीटर फ्रॉम दैल बींग पंप्ड द ड्रॉडउन वॉज सिक्स मीटर छ मीटर के दूरी पर ड्रॉडउन आपको छ मीटर मिला एंड्रॉड फाइव मीटर द बॉटम ऑफ द वेल इज नाइंटी मीटर बिलो द ग्राउंड वॉटर टेबल द बॉटम ऑफ द वेल इज नाइंटी मीटर बिलो द ग्राउंड वॉटर टेबल

आपको दो ऑब्जर्वेशन वेल पे एस नॉट आपको गिवन है एस नॉट इज गिवन मतलब जो आपका एस वन एस टू है आपको आर वन आर टू भी दे दिया कितने मीटर के दूरी पे ये भी बता दिया सो so, अब ये बोल रहा है द बॉटम ऑफ द वेल इज नाइन्टी मीटर मतलब ये आपको क्या दे दिया दिस विल बी योर कैपिटल एच दिस विल बी यू विल एज्यूम एज अ कैपिटल एच ठीक है दिस यू विल एज्यूम एज अ कैपिटल एच ये आप एज्यूम कर रहे हो कैपिटल एच तो डिटरमाइन द कोफिशियंट ऑफ परमिटी अब क्वेश्चन में कोई भी कन्फाइनमेंट का बात किया है क्या इन दिस क्वेश्चन क्या कोई भी कन्फाइनमेंट का बात किया है क्या इस सवाल में कोई भी कन्फाइनमेंट का बात किया है क्या बोलो भाई इन दिस क्वेश्चन हैज दे टॉक्ड अबाउट एनी कन्फाइनमेंट नो तो अगर नहीं बात किया यू टॉक यू विल टेक द यू विल टेक द अनकन्फाइंड सॉइल अब लोगे अनकंफाइंड स्वर्ग मेरे दोस्त डिस्चार्ज गिवेन है दो बेल का वैल्यू है तो कौन सा थ्योरी यूज करें अनकंफाइंड अनकंफाइंड केस है और यहां पे कौन सा थ्योरी लगाएंगे थीम थ्योरी लगाएंगे फॉर्मूला क्या हो गया क्यू बराबर क्यू बराबर पाई इंटू के एक्टर स्क्वायर या आपका अगर दो ऑब्जर्वेशन वेल का लिखना है तो एच वन स्क्वायर माइनस या आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर होल डिड बाई टू पॉइंट लॉक टेन आर टू बाई आर वन वैल्यू सब्सिट्यूट करना है आंसर निकालना है तो एच टू क्या होगा वॉट विल बी एच टू आपका टोटल एच आपको दिया हुआ है नाइन मीटर सो विल बी माइनस 90 minus, कितना meter. 90 minus meter. So, ये आपका क्या हो जाएगा एच वन क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस जो क्लोज हैिटी so, का वैल्यू बताइए परम्यूबुलिटी का वैल्यू बताइए परम्यूबिलिटी का वैल्यू बताएंगे सब शूट करेंगे परम्यूनिटी का वैल्यू बताएंगे डिस्चार्ज यूनिट्स बेस्ट है <coughs> अगर गलत नहीं करना चाहते हो सबको स्टैंडर्ड यूनिट में डाल दो गलत नहीं करना चाहते हो सबको स्टैंडर्ड यूनिट में डाल दो कभी गलत नहीं होगा कन्वर्ट एवरीथिंग इन द स्टैंडर्ड यूनिट कभी आपसे एरर नहीं होगा तेरह सो साठ लीटर पर मिनट लीटर को किस में कन्वर्ट करो मीटर क्यूब मीटर क्यूब पर मिनट मिनट को किस में कन्वर्ट करें सेकंड में तो मीटर क्यूब पर सेकंड? सो डिवाइड बाय साठ मीटर क्यूब पर सेकंड? मीटर क्यूब पर सेकंड? क्लियर है मीटर क्यूब पर सेकंड? दिस इज इक्वल टू पाई के आपको चाहिए 88.5 होल स्क्वायर माइनस 84 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2.303 पॉइंट 10 15 लॉ मीटर पे आपका 1.5 था 6 मीटर पे 6 था सो so, 15 बटे 6 कितना आंसर के का वैल्यू बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ट इज दैल्यू ऑफ के यू आर गोइंग टूटेन इन मीटर पर सेकेंड के आपका आ रहा होगा मीटर पर सेकेंड में क्योंकि तो हम सबको स्टैंडर्ड यूनिट में डाले कन्वर्टेड एवरी थिंग इन द स्टैंड आंसर भी आपको स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा बताओ बेटा गिव इन दैल्यू ऑफ के इन मीटर पर सेकेंड गिव इन द वैल्यू ऑफ के इन मीटर पर सेकेंड गिव मी द वैल्यू ऑफ के इन मीटर पर सेकेंड फास्ट फास्ट डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर दिस डोंट आस्क मी टू आंसर दिस क्वेश्चन बहुत बुरा होगा ये बात अगर मुझे आंसर करना पड़ गया तो यस yes. बट इज अ वैल्यू ऑफ के कोई नहीं है एनीवन हु कैन आंसर एनीवन हु कैन आंसर यस कोई नहीं 8.49 पॉइंट टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड क्या करें अब तुम जवाब नहीं दोगे तो मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा

तो हमको क्या निकालने बोल रहा है हमको बोल रहा है ड्रॉड मतलब हमको क्या निकालने बोल रहा है नॉट निकालने बोल रहा है नॉट कैसे निकाल लेंगे अगर हमको पता तो हम कोई भी एक ऑब्जर्वेशन वेल उठा लेते हैं एक आपका नॉर्मल वेल उठा लेते हैं दोनों को कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं आई कैन द वैल्यू ऑफ आई कैन फाइंड ऑफ नॉट इज इट क्लियर बिना ये निकाले अगला स्टेप पे नहीं बढ़ सकते थे देखो यहां पे पार्ट टू क्या लिखेंगे क्यू बराबर पाई इन टू के लेटस्ट राइट एच वन स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉक टू टेन आर वन बाई आर डब्ल्यू आप उल्ट वो भी कर सकते थे आप एच टू स्क्वायर बाई एच नॉट स्क्वायर करके भी कर सकते थे यहां पर आर टू बाई आर आता सेम आंसर आएगा तो ये हो गया 1360 लीटर पर सेकंड था 10 पर माइनस क्यू 3 बाई सिक्स पाई इंटू के के आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 8.51 पॉइंट फाइव वन पर माइनस 6 सबको स्टैंडर्ड यून रखो कभी गलती नहीं होगा एच वन आपको ऑलरेडी आप निकाले हो 84 84 का स्क्वायर माइनस एच नॉट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट कितने पे था छह मीटर पे था डब्ल्यू वट इज द रेडियस ऑफ बेल डायमी दिया रेडियस तो क्या हो जाएगा पॉइंट थ्री मीटर चलिए करेंगे वैल्यू ऑफ एच नॉट एच नॉट कितना होगा बताएंगे बेटा वट इज द वैल्यू ऑफ एच नॉट एच नॉट की वैल्यू कितनी होगी एच नॉट की वैल्यू कितनी होगी वट विल बी द वैल्यू ऑफ एच नॉट सॉल्व इट फास्ट कैलकुलेटर पे हाथ तेजी से चलाइए आंसर बताइए ट इज द वैल्यू ऑफ एच नॉट वट इज द वैल्यू ऑफ एच नॉट एच नॉट की वैल्यू क्या होगी एच नॉट तो आपका ये है तो एस नॉट क्या हो जाएगा एस नॉट विल बी नाइनटी माइनस सिक्सटी सेवन पॉइंट टू दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट एट मीटर तो आपने दो पार्ट का जवाब तो दे दिया आपने दो पार्ट का जवाब तो दे दिया दे दिया क्या आपने दो पार्ट का जवाब तो दे दिया राइट यू हैव गिवन गिवेन दू टू टू यू हैव गिवन द दू टू टू पार्ट नाउ अगला है वट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी व्हाट इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी अगला पूछ रहा है स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना होगा तो मेरे दोस्त For finding the specific capacity, आपके वेल पे ड्रॉडाउन कितना होना होना चाहिए? चाहिए? आपके का कितना बोलो वेल दट शुड बी दॉन एट कैपेसिटी निकालने के लिए वेल पे ड्रॉडाउन कितना होना चाहिए वन मीटर होना चाहिए अभी आपका ड्रॉड ड्रॉड इज ट्वेंटी टू पॉइंट एट मीटर अभी जो ड्रॉडाउन है डेट इज 22.8 मीटर तो क्या ये जो भी रिजल्ट आपको दिया ऑब्जर्वेशन वेल का अब क्या ये सारा होल्ड करेगा अब जितना भी ये ऑब्जर्वेशन वेल का रिजल्ट दिया क्या अब ये होल्ड करेगा फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या इन रिजल्ट्स को हम यूज कर सकते हैं क्या कैन वी यूज दिस रिजल्ट्स क्योंकि क्यों नहीं यूज कर सकते मेरे दोस्त इसका कारण क्या है कि ड्यूपिड कर बदल जाएगा आपने जो ड्यूपिट कर बनाया था वहां पे 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 वेल मीटर पे था राइट अब जो पर बनाना है वेल पे कितना हो चाहिए चाहिए ओनली मीटर होना चाहिए। तो मतलब आपका ड्यूपिड कर क्या हो गया बदल गया अब मेरे दोस्त तो जितने भी ऑब्जर्वेशन वेल है के रीडिंग है सब हो गए क्या बेकार हमको तो निकालना है अब कैसे निकालें तो क्या करेंगे

दिस पर्टिकुलर ड्रॉडाउन तो क्या हम फॉर यूनिट ड्रॉडाउन के लिए हम बता सकते हैं कितना डिस्चार्ज होगा yes, तो हम क्या करने जा रहे? एक और फॉर्मुलाई वॉन्ट टू पाइंड द कैपिटल एच सो क्यू बराबर पाई इंटू के कैपिटल एच स्क्वायर कोई भी ले लो मान लो आप एच वन स्क्वायर ले रहे हो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टेन कैपिटल आर बाई आर वन कोई भी उठा लो तो क्यू क्या हो गया तेरह सो साठ लीटर पर सेकेंड दिस मल्टीप्लाइड विद पाई के आपका कितना है सिक्स पॉइंट एट पॉइंट फाइव वन एट पॉइंट फाइव वन इंटू टेन माइनस सिक्स हमको एच पता था कितना नाइनटी नाइनटी स्क्वायर क्योंकि रेडियस ऑफ इन तो हाइट आपका मैक्सिम होगा नो ड्रॉड एच वन इज एटी फोर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉट टू हमको आर निकालना है अपॉन आर वन आर वन कितना था सिक्स बताइए आंसर वट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर वट कैपिटल आर वट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा वट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर चलिए बताइए ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री मीटर आर आ रहा है आर बस बीस पॉइंट तीन तीन मीटर आ रहा है चेक कर लो चलो कैपिटल आर लॉक कर दें ट्वेंटी पॉइंट थ्री थ्री मीटर फोर मीटर चलिए ठीक है तो अब अगर आर आ गया मेरे दोस्त इफ यू नो द आर नाउ सो क्यू बराबर पाई इंटू के एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टेन आर बाई आर डब्ल्यू अब मेरे दोस्त हमको डिस्चार्ज निकालना है सो so, पाई इंटू के एट पॉइंट फाइव वन इंटू टेन माइनस सिक्स

मजा आ रहा है क्वेश्चन में लास्ट क्लास है खत्म करना है इसलिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट क्लास है वी नीड टू अप इसको आगे ढोना नहीं है न्यूमेरिकल किए रहोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि अप्लाई कैसे करते हैं नहीं किए रहोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट बिना एप्लीकेशन समझे कोई फायदा नहीं है यस yes. 1.13 लीटर पर सेकेंड इलियास बोल रहा है 1.13 लीटर पर सेकेंड इलियास इज सेइंग 1.13 लीटर पर सेकेंड बाकी लोग बताएंगे 1.134 मीटर क्यूब टेन पर माइनस थ्री मीटर क्यूब ओके सो 1.13 लीटर पर सेकेंड ओके एक्सेप्टेड आंसर 1.3 लीटर पर सेकेंड एक्सेप्टेड योर आंसर सो 1.13 लीटर पर सेकेंड, so सेकेंड. ये आपका आंसर आ गया तो हमने तीन पार्ट का जवाब दे दिया अब लास्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द वाटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मैक्सिमम किस रेट पे निकाल सकते हैं तो मेरे दोस्त फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम क्या आप आर डब्ल्यू बदल सकते हो क्या आप आर बदल सकते हो ठीक है क्या आप एच बदल सकते हो क्या आप एच नॉट बदल सकते हो इन चारों में से आप किसको बदल सकते हो फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम रेट अब किस पैरामीटर देखो पानी का टेबल ग्राउंड पे जो है वो आप नहीं बदल सकते मतलब कैपिटल एच आप नहीं बदल सकते ठीक है रेडियस ऑफ वेल आपने फॉर अ गिवन वेल आपसे पूछा है कितना मैक्सिमम हो सकता है मतलब आर रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी सेम रहेगा मतलब बदला किसको जा सकता है वी कैन चेंज एच नॉट और एच नॉट को हम क्या करें हमको मैक्सिमम निकालना है तो एच नॉट को क्या करना पड़ेगा मिनिमाइज करना पड़ेगा और एच नॉट कब तक मिनिमाइज हो सकता है एच नॉट कब तक मिनिमाइज हो सकता है एच नॉट कब तक मिनिमाइज हो सकता है वी कैन कीप नॉट इज इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मैक्सिमम ड्रॉ डाउन डिस्चार्ज तो प्रैक्टिकली नहीं करते ऐसा बट फॉर थ्योरेटिकली मैक्सिमम निकालने के लिए विल पुट एच नॉट इज इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा क्यू इज टू पाई इनटू टू के एच स्क्वायर माइनस एच नॉट स्क्वायर क्योंकि अब डुपिट तो बदल रहा है ना भाई

बताएंगे आंसर व्हाट इज द आंसर बेटा आंसर क्या होगा व्हाट इज द आंसर 51.32 सो दैट इज द थ्योरेटिकल 51.32 लीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज जो आप निकाल सकते उम्मीद करूंगा आपका कैलकुलेशन सही हो इलियास मैं उम्मीद करूंगा आपका कैलकुलेशन सही हो चलो बिकॉज आई डोंट नो द आंसर आपका आंसर चलो ठीक है बोल भी दी तो मैच हो होगी मजा आया मेरे दोस्त वेल हाइड्रोलिक्स वी हैव कंप्लीटेड द हाइड्रोलिक्स कैसा लगा वेल हाइड्रोलिक्स फॉर्मूला formula, कुछ फॉर्मुलाज हैं ठीक है वो फॉर्मुला याद रखोगे जब आप दे पाओगे एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दिया हूं ठीक है नाउ इट्स ऑल अप टू यू की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना न्यूमेरिकल्स को और अच्छे से खत्म हो जाएगा ठीक है बेटा सारा डिटेल क्लास का सारा डिटेल अभी मैं बताने वाला हूं क्लास का सारा डिटेल अभी बताऊंगा एट ग्यारह पी एम इलेवन पी एम पे कौन सा सब्जेक्ट लगने वाला है इन अक्टूबर कौन से नए सब्जेक्ट आने वाले हैं क्रैश कोर्स में ठीक है रेगुलर कोर्स में क्या चलेगा क्या टाइम होगा सारी बातें अभी मैं ग्यारह बजे करने वाला हूं ठीक है सो आई होप वेल हाइड्रोलिक्स विद इन फोर डेज चार दिन चार लेक्चर सफिशियंट हमने जो पढ़ा फॉर टू मंथ्स दैट इज एनफ ठीक है क्लियर है आई होप कि आप बना लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है बात बोलो भाई लोग मजा आया ठीक है टॉपिक टफ होता है तो लोग जल्दी बैठते नहीं है है ना उनको लगता है सब सब चीज सर आसान आसान टॉपिक कराओ ना क्यों इतना टफ टॉपिक कराते हो पता ही नहीं कि टफ टॉपिक से ही नंबर आते हैं सो आज का डाउट मेरे दोस्त फीचर है जहां अपने डाउट्स को आप इजिली क्लियर कर सकते हो पूछ सकते हो अपने फोटोज आप स्क्रीनशॉट लेके अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हो दिस इज अवेलेबल ओनली ऑन द ऐप तो ऐप पे जाओ यूज करो फीचर को अगला कॉम्बैट मेरे दोस्त आपको दस अक्टूबर को मिल रहा है तो दस अक्टूबर को जाएंगे कॉम्बैट लिखेंगे डोंट टू यूज द कोड एंड द फीस ऑफ भारेडमी विल भी इंक्रीज वेरी सुन और अब तो आपको स्पेशल ऑफर भी मिल रहा है ट्वेल्व मंथ फोर मंथ एक्स्ट्रा जो आपको ट्वेंटी थ्री के प्रिपरेशन पे भी मदद कर रहा होगा अगर आप ट्वेंटी थ्री को प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्वेल्व मंथ फोर मंथ एक्स्ट्रा बहुत सही ऑफर है इफ यू आर प्लानिंग डू जो इट एज सुन एज पॉसिबल और मेरे दोस्त भारत टे कोड लगाना भूलना नहीं है

Crack civil engineering for GATE ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.